तो गाइस आज पार्टनर के नाम पे सिर्फ मेरे पास भाई मेरा दो नंबर था, लेकिन जैसे ही नीचे उतरते हैं तो भाई उसके भी यहाँ पर पेटी बन जाती है और यहाँ पर मुझे रैंडम बंदों के साथ खेलना पड़ता है। तो तुम्हें भी पता भाई रैंडम है तो वो भी तो किल लेंगे और यहाँ पर कुछ मेरी किल जो है वो टप जाती है, तो यहाँ पर दुख तो होता ही है। तो ये खैर आगे ये सब सीन होते रहेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बड़े भाइयों और उनकी छोटी बहनों कैसी हो, स्वागत करता हूँ आज आपका एक और BGMI के गेम प्ले वीडियो में, जहाँ पर मैं करता हूँ अपनी घिसे-पिटी सी कमेंट्री और आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इसी के साथ साथ एक बहुत ही नकली एंटरटेनमेंट। तो भाई नीचे उतरते हैं, यहाँ पर मेरे बंदे नॉकआउट हो जाते हैं, मुझे भी आगे की तरफ एक बंदा दिखता है, आगे देखो। अबे मारो इसको। आ रहा हूँ। अरे भाई एक नंबर। चार नंबर ने सिचुएशन यहाँ पर हैंडल कर ली, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। खैर मैंने कहा था ना कि मुझे एक बंदा दिखेगा, अभी दिखेगा नीचे। रिवाइव दे भैया, रिवाइव दे। जल्दी 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 टच कर, जल्दी टच कर, नमचा जल्दी टच कर, उसको मार के जल्दी उससे वो रेव्यूजी ले। ये बंदा एक जगह टिक ही नहीं रहा था, तो भाई मैं सोच रहा था कि भाई पता नहीं एक मतलब क्या ही कर रहा है ये बंदा, और उसके बाद यहाँ पर देखना इसकी अजीब सी हरकत है। फिलहाल के लिए मैं नीचे उतरता हूँ और फिर ये आता है मेरे पास। मैंने यहाँ पर सोचा कि भाई नेट से उड़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद मैंने नेट कैंसिल किया। खैर नहीं भी करता तो शायद कुछ नहीं होता। नेट कैंसिल नहीं भी करता तो भाई कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर उछल फांग करने के सिवा तो कुछ किया ही नहीं। और भाई यहाँ पर मैंने कहा था कि मेरे पार्टनर यानी कि दो नंबर की पेटी बन जाएगी, वो थोड़ा आगे जाकर के होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर लूट कर रहे होते और यहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है, और बाहर जाके देखता हूँ तो एक गाड़ी दिखती है। अच्छा स्कोप ना होने की वजह से भाई मैंने जैसे तैसे करके फिर भी उस बंदे को लपेटा, और उसने जिसको नॉकआउट कर रखा था भाई उसकी भी किल यहाँ पर मैंने टपा ली। खैर यहाँ पर एक बॉड भैया दिखते हैं तो उसकी भी यहाँ पर पेटी बनाते हैं, और जब पोचंकी की तरफ से गुजर रहे होते हैं तो एक बंदा दिखता है खाली मैदान में गाड़ी को लेकर के, शायद सांप बनने की प्रैक्टिस कर रहा होगा, पता नहीं। देखो बहुत दूर है भाई, चलो गाड़ी लेके जाते हैं। दूर है तो क्या हुआ, हमरे 3 का स्कोपुआ कब काम आएगा। इसकी सांप बनने की प्रैक्टिस तो यहाँ पर फेल हो गई, और इसके बाद यहाँ पर इसकी पेटी को लूटने जाते हैं, लेकिन जहाँ पर हम पहले होते हैं वहाँ पर भाई बंदे आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक बंदे को इतना डैमेज दूंगा लेकिन नॉकआउट होकर के नहीं देगा, और इतने में मेरे बंदे भी मुझे छोड़ करके निकल जाते हैं आगे की तरफ। इस बंदे को मैंने और मेरे बंदे ने इतना डैमेज दिया लेकिन उसके बाद भी नॉकआउट होकर के नहीं दिया। यहाँ पर मेरे बंदे जोश जोश में आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो भाई मैं पैदल पैदल भाग रहा था जब तक मेरे बंदे आइडेंटिफाई कर रहे थे बंदे है किधर। अब इस तरीके से यहाँ पर मेरे दो नंबर की पेटी बन जाती है। खैर थोड़ी देर पहले गोली लग जाती तो शायद मेरा दो नंबर जिंदा होता। यहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है और मैं ऊपर जाकर के दो नंबर की पेटी को लूट ही रहा होता हूँ कि इतने में एक बंदा यहाँ पर पेड़ के पीछे कैंपिंग डाल के बैठा होता और सही मौके पे देख लिया। अब यहाँ पर भाई सेल्समैन साहब की आवाज सुनो। अब ये सेल्समैन क्या क्या बेच रहा था भाई, सारे आइटम के नाम तुम कमेंट्स में लिख देना क्योंकि मेरे कान खराब है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। और कमेंट से मुझे याद आया भाई, तुम जो भी चीज कमेंट करते हो वो मैं अपने वीडियो के एंड में दिखाता हूँ उन कमेंट्स को, तो भाई तुम जरूर कमेंट करना, और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। तो भाई यहाँ पर फार्म की तरफ से गुजर रहे होते कि गोली चलने की आवाज आती है। गोली चलाने वाला बंदा हमको फुद्दू समझ रहा था भाई, बॉट फायरिंग दे रहा था, और जब हम गाड़ी से नीचे उतरते हैं तब भी बॉट फायरिंग देता है। अब इसकी गोली की आवाज को फॉलो करके आगे जाता हूं और भाई फुटस्टेप भी आते हैं। अब इस जगह पर मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि भाई ये बंदा अकेला नहीं है। खैर यहां पर इसकी पेटी बनाता हूं। एक ही था? अरे भाई एक नहीं, एक से ज्यादा था। अभी तुम यहाँ पर फुटस्टेप सुनो। तो
सही मौके पे पहुंच गए और यहाँ पर हमारे रैंडम यानी कि एक नंबर भाई को बचा लिया और यहाँ पर हमारे भाई का दिमाग भी गर्म हो गया था। खैर यहाँ पर रिवाइव शिवाइव चलता है, उसके बाद यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाते हैं और एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को यहाँ पर क्रॉस करती है। देखो अब यहाँ गाड़ी से उतरता हूँ, आगे की तरफ उनकी गाड़ी दिखती है तो छोटी मोटी फायरिंग देता हूँ। छोटी मोटी फायरिंग इसलिए देते हैं ताकि उनको बता सके कि बेटा वहीं पर होल्ड करना, हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद भाई हम सब यहां पर एक एक नेड करते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई का इतना नकली नेड है कि मतलब क्या ही बताऊं। यहां पर मेरे दोनों बंदों ने एक एक नेड से भाई एक एक बंदे नॉकआउट कर दिया, लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि मेरे हाथ क्या आया। एक और करूंगा। दो दो नेट के, लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं आया और यहाँ पर इनकी बात चल रही है कि भाई गया नहीं गया, यहाँ पर मेरी कितनी जल गई थी मतलब क्या ही बताऊँ, इज्जत ही नहीं। खैर यहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये थी कि भाई इनका एक और बंदा बाकी था जो कि आगे जाकर के घास में छुपा हुआ था। यहाँ से एक गाड़ी जाती है भाई जिसके ऊपर वो फायरिंग देता है और अपनी लोकेशन को एक्सपोज करवा लेता है। ऊपर इसकी पेटी यहाँ पर बनाते हैं और सीधा लूटने जाते हैं। इसकी पेटी में से मुझे मिल जाती है भाई M24। सीधा गाड़ी को पकड़ते हैं और भाई फार्म की तरफ निकल जाते हैं और वहां पर भाई मतलब क्या ही इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। नीचे वाले पे इतना फोकस किया कि भाई ऊपर वाले ने नॉकआउट कर दिया, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पर एक नंबर ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। इतने में मैं रिवाइव होता हूँ और बाहर से कोई चार नंबर की पेटी बना जाता है और साइड से फुटस्टेप आ रहे होते हैं। यहाँ पर नेट करने ही वाला होता कि भाई इतने में स्नाइपर का पटका कहीं से पड़ जाता है और ये बंदा बार बार पटके दे रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई तेरा इलाज तो बाद में करेंगे, पहले इनका इलाज कर ले जिनके फुटस्टेप आ रहे होते हैं। तो इस पीले घर के अंदर ही बंदे होते, तो आगे देखो। उधर ही। अब दूसरे वाले के लिए यहाँ पर मेरा रैंडम टीममेट टपा लेगा। एक ही। जब किल हाथ से जाती है तो भाई थोड़ा बहुत तो दुखता है, लेकिन भाई रैंडम टीममेट है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। खैर अब उसकी बारी थी जो कि इतनी देर से स्नाइपर बन रहा था, अब उसका सामना एक नकली स्नाइपर से होने जा रहा था। बिल्कुल ठीक समझे मैं। ऊपर नहीं दिख रहा है क्या भैया? अब कैसे दिखेगा, आग का अंधा हो ना। वो देखो भाग रहा है, वो देखो लेटा हुआ है वो। लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पर भाई कमेंट कर देना, तभी तुम्हारे कमेंट को वीडियो के लास्ट में लगा पाऊंगा। खैर यहाँ पर दो बंदे दिखते हैं जिनको यहाँ पर खूब डैमेज देता हूँ, लेकिन उनकी किल भी यहाँ पर एक नंबर ले जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जब भगता भगता इस घर के अंदर जाता हूँ, सामने देखो बंदा लेटा हुआ है गाड़ी के पास लेटा हुआ है। हम तो फोन निकालो सामने गाड़ी के पास। अब इसकी पेटी बनाने के बाद भाई ऊपर वाले फ्लोर पे जाता हूँ, उसके बाद देखो दिख ही नहीं रहा लौंडा। हाँ दिखा लगा, एक हेड लगा उसको। हेड तो लगा, लेकिन यार ये बंदा बहुत ही ज्यादा चलाक बन रहा था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर AWM मंगानी पड़ी। AWM आने के बाद यहाँ पर फिर से स्नाइपिंग चालू। गिली सूट वाला दिखता है, उसको भी एक फटका देता हूँ, लेकिन भाई नॉकआउट होकर के नहीं देता। थोड़ी देर बाद जाकर के भाई इसका एक और बंदा मेरे को हल्का सा खिड़की से दिखता है। इसको नॉकआउट तो कर दे, लेकिन वो गिली सूट वाला इसको रिवाइव दे देगा। इस चक्कर में मेरा नुकसान हो जाता, थोड़ा सा आगे पता चलेगा कैसे। किला गया।
जोन आता है, उस गिली सूट वाले को रास्ते में पकड़ लेता हूँ, लेकिन उस गिली सूट वाले ने जिसको रिवाइव दिया था भाई उसकी पेटी प्ले जोन में बन जाती है, तो यहाँ पर मुझे कितना ज्यादा दुख होता है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब आगे की तरफ जाता हूँ और एक बंदा दिखता है ऊपर वाले माले पे। अब हमारे बबुआ को भाई चारों तरफ नजर रखनी चाहिए ना, मैंने यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। खैर यहाँ पर भाई इसको जला करके राख कर देता हूँ। ये नॉकआउट हुआ था तो भाई मुझे लगा था इसका दूसरा वाला भी बंदा यहीं पर होगा, लेकिन नहीं, उसका दूसरा वाला बंदा यहाँ पर नहीं होता। खैर वो होता भी है तो शायद यहाँ से भाग लेता है। खैर मैं ऊपर के माले में जाता हूँ, उसके बाद मुझे भाई साहब दिख ही जाते हैं जहां पर भी होते हैं। यहाँ पर भी एक फटके में काम नहीं बना कि दूसरा देने ही वाला था कि उसने लोहे की टीन लगा ली। यहाँ पर AWM का फटका मैंने दिया, इतने सारे नेड मैंने किए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किल कौन टपा गया, हमारा एक नंबर। मेरे दिल में यहाँ पर कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा तुम यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पर भाई फीलिंग पे जाओ, फीलिंग पे क्या ही बताऊं यार, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है तो मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर भाई हमारा मुर्गी मुर्गी डिनर हो गया, तो थोड़ी बहुत हल्की सी यहाँ पर खुशी थी। तो यार यहाँ पर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब तुम्हारे कमेंट्स को देखने का वक्त है, तो यार तुम्हारे कमेंट्स को देखते हैं। तो यार अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, अब मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि यार कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा सायोनारा बाय बाय। किल्ला 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 गया।